हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। किसी के जीवन को कौन सी चीज़ें बर्बाद कर सकती हैं, आज हम इस वीडियो में जानते हैं। वाल्मीकि रामायण भगवान राम के जीवन पर आधारित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें ज्ञान और धर्म की कई बातें बताई गई हैं। वाल्मीकि रामायण में कुछ ऐसे काम भी बताए गए हैं जो किसी भी मनुष्य का जीवन बर्बाद कर सकते हैं, इसीलिए भूल कर भी ये कार्य कभी भी जीवन में नहीं करने चाहिए। तो जानते हैं कौन से हैं वो कार्य। सबसे पहला कार्य, दूसरों का धन चुराना। जो मनुष्य दूसरों की वस्तु हड़पने या चुराने का प्रयास करता है वो महापापी माना जाता है। किसी और की वस्तु को छल से पाने या चुराने से मनुष्य के जीवन के सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। चोरी की हुई वस्तु से कभी भी लाभ नहीं मिलता, बल्कि उसकी वजह से नुकसान का सामना करना पड़ता है। चोरी करने वाले मनुष्य या ऐसे काम में साथ देने वाले मनुष्य को तामिश्र नामक नरक में दुख भोगने पड़ते हैं। ये काम किसी के भी जीवन को बड़ी ही आसानी से बर्बाद कर सकता है, इसीलिए इसे बचकर रहना चाहिए। कभी भी किसी दूसरे का धन नहीं चुराना चाहिए। पराई स्त्री के साथ संबंध रखना। कई लोग ऐसे होते हैं जो पराई स्त्रियों पर बुरी नज़र डालते हैं। धर्म ग्रंथों में इसे पाप कहा गया है। ग्रंथों के अनुसार इस पाप का प्रायश्चित किसी भी तरह संभव नहीं होता। जो भी मनुष्य ऐसा काम करता है उसे इसके बुरे परिणाम भोगने पड़ते हैं। जो लोग पराई स्त्री के साथ संबंध रखते हैं या उन पर बुरी नज़र डालते हैं, उन्हें जयंती नामक नर्क में अपने पापों की सजा मिलती है। इसलिए हर किसी को इस पाप कर्म से दूर रहना चाहिए। अपने हितैषी के साथ धोखा करना। हमारे दोस्त या परिवारजन होते हैं जो हम पर सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। ऐसे लोगों के साथ धोखा करना, उनका भरोसा तोड़ना भी किसी पाप से कम नहीं होता। अपने हितैषियों का विश्वास तोड़कर हम कुछ समय के लिए लाभ ज़रूर पा सकते हैं, लेकिन आगे चलकर इसका फल भोगना ही पड़ता है। ऐसा करने पर भगवान भी हमसे रूठ जाते हैं और इस काम के फलस्वरूप हमें कई परेशानियों और दुखों का सामना करना पड़ता है। इसलिए किसी भी लालच में आकर आप अपने हितैषियों को धोखा ना दें, उनका विश्वास ना तोड़ें। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया है कि कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको करने से आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।